जीर्ण हालत में दिखने वाले प्राइमरी स्कूल लंबे समय से भले ही सरकार की उदासीनता का शिकार रहे हैं, मगर सामाजिक सद्भाव से बदलाव की एक नई बयार चलने लगी है। आगरा के मंडी शहीद खां स्थित प्राइमरी स्कूल में एक संस्था दान फाउंडेशन द्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में चिकित्सकों ने छात्र छात्राओं का परीक्षण किया। चिकित्सकीय परीक्षण करने वाले चिकित्सकों का कहना था कि बच्चों में कई प्रकार की बीमारियों का होना पाया गया है, तो वहीं शारीरिक विकास के लिए आवश्यक कैल्शियम और प्रोटीन की भी कमी पाई गई है। पहले तो मैं जो दान फाउंडेशन द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया गया उसके लिए मैं धन्यवाद कहूँगा। आज हमने लगभग 100 के अबव बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण किया। हमें जो सबसे ज्यादा कमी मिली बच्चों में कि माल न्यूट्रिटेड बच्चे मिले, हमको विटामिन की कमी है। और ये जो एज ग्रुप है 6 से 10 साल का बच्चों का ग्रुप था, और इस उम्र में बच्चों का विकास होता है और उस समय विटामिन की बहुत जरूरत होती है। ये जो स्कूल है एक सरकारी संस्था है और इसको एक फाउंडेशन ने गोद ले रखा है, उसके तहत हम लोग कार्य कर रहे हैं। देखिए ये बहुत अच्छा लगा, एक हमने रूटीन वर्क से हटके कार्य किया है और बच्चों को देखा, बच्चे उत्साहित लगे, बच्चों हमारे संग कॉपरेट भी किए, हमने उनकी सारी चीजें देखी और चाहेंगे कि भविष्य में ऐसे काम हम और भी करें। इस तरह की एक्टिविटीज सरकारी विद्यालयों में लोगों की जो सोच है उसको बदलेगी? जी बिल्कुल बदलेगी। जब स्वास्थ्य परीक्षण होगा, बच्चे हमारे स्वस्थ रहेंगे तो देश का भी विकास होगा। दांतों की स्वच्छता पर भी बच्चों और अभिभावकों का ध्यान कम ही रहा है, ऐसे में उन्होंने सावधानी और सुझाव बताते हुए बच्चों को दवा भी उपलब्ध कराई। दवा पाकर बच्चों के चेहरे खिल उठे और बोल पड़े, थैंक यू डॉक्टर। वो कहते दांत मांझ करो, रो रहे, हमने की थी मांझ पे सर। अब आपको क्या दिया उन्होंने? वो दिया कॉलगेट। दांत साफ करने के लिए? आप दांत साफ करते हो? दांत साफ करने से क्या होता है पता है? आप स्वस्थ रहते हैं, है ना? सही हो जाते हैं दांत, अगर नहीं मांझते तो दांत सड़ जाते हैं। दांत सड़ जाते हैं? और क्या बताया डॉक्टर ने तुम्हें? और क्या रहे, तो बात की चीजें मत खा करो, घर पे खा करो घर की चीजें। निःशुल्क चिकित्सा शिविर में निजी संस्था का आभार व्यक्त करते हुए स्कूल की प्राचार्य ने कहा कि अब प्राइमरी स्कूलों के दिन भी सामाजिक सद्भाव से बदलने लगे हैं। प्राइमरी विद्यालय में अक्सर पढ़ने के लिए बच्चों का टोटा रहता था, जो इस तरह के प्रयास से एक सकारात्मक दृष्टिकोण तैयार हुआ है और यह काफी हद तक सफल सिद्ध हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, उद्धार। ये हमारे यहाँ दान फाउंडेशन की तरफ से लगाया गया है, जो कि काफी अच्छा प्रयास है, क्योंकि इन बच्चों का रूटीन चेकअप वैसे भी नहीं हो पाता, इनके पेरेंट्स करा ही नहीं पाते हैं, और जो भी कोई प्रॉब्लम आ रही है और ये लोग जो प्रिस्क्रिप्शन लिख कर दे रहे हैं वो हम इनके पेरेंट्स को बताएंगे, दवाइयाँ भी प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे इन लोगों के थ्रू। हाँ बिल्कुल मोटिवेट करती है, क्योंकि इससे हमारे बच्चों की स्ट्रेंथ भी बढ़ती है, उनके पेरेंट्स भी आ रहे हैं और बच्चे अपने घर के लेकर कि हम नहीं दिखा पाते तो यहाँ दिखा लें, जो फीस की भी प्रॉब्लम होती है इन लोग को थोड़ी बहुत सभी उससे भी होता है, फिर आगे भी होगा। जी जी सुविधाओं का। हाँ ये बदलाव इसका हमारे स्कूल का भौतिक वातावरण का तो बदलाव एक ही मेंबर पे जाता है जिनने पूरा रेनोवेशन कराया है इस स्कूल को। फिर ये दान फाउंडेशन आ गया हमारे पास तो इनसे और हम लोग को सपोर्ट हो रहा है एक्टिविटीज में भी बच्चों को, और ऐसे कैंप्स लगते हैं तो उन लोग को भी मोटिवेशनल ये होता है, मोटिवेट हो रहे हैं तो और आस पड़ोस में कहते हैं जाके, तो एडमिशन में भी हमारे वो बढ़ोतरी हो रही है। जनरली जो ये प्रॉब्लम है बच्चों के लिए वो एकदम बच्चे थोड़े से लो कम्युनिटी के जो सरकारी स्कूल में जो बच्चे होते हैं उनके पेरेंट्स बिल्कुल भी अवेयर न होने की वजह से वो प्रॉपरली ब्रशिंग नहीं करते। काफी बच्चों को मैंने मोटिवेट किया है कि लगातार ब्रश करें ब्रश करें ब्रश करें। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो यहाँ पर अराइज होती है वो होती है फ्लोरोसिस की। मोर देन 50% बच्चों को फ्लोरोसिस हो रखा है क्योंकि वो प्रॉपरली ब्रश नहीं करते हैं। दूसरा जो पानी वो बच्चे पी रहे हैं, जो पानी जो पी रहे हैं वो समरसेबल का पी रहे हैं या हैंडपम्प का पी रहे हैं, जो पानी के अंदर फ्लोराइड का लेवल इतना ज्यादा है कि अमूमन बच्चों के दांत खराब हो चुके हैं। मैंने बहुत बच्चों को पेस्ट दिया है, उससे जो बड़े बच्चे हैं क्योंकि छोटे बच्चे ऐसा समझ नहीं सकते हैं, जो बड़े बच्चे उनको बताया है कि आप थोड़ा सा पानी चेंज करो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम कम्युनिटी की है तो वो लोग उतना ज्यादा अवेयर नहीं कर पाते हैं, फिर भी
हर बच्चे को मैंने एक टेस्ट अवेलेबल कराने की कोशिश की है, जिससे थोड़ा सा डिफ्लोरेशन हो सके और थोड़ा सा इम्पैक्ट कम हो सके। बहुत बढ़िया लगा। मेरे पास परसों त्यागी जी हैं, वो आए थे, तो मैंने तुरंत उनको बोला और तुरंत मैंने कंपनी को फोन करे, कुछ सैंपल्स मंगाए। अगर मेरे को पहले से जानकारी होती, इस समय होता, तो मैं शायद और अच्छे से कर पाता। तो अचानक उन्होंने किया, लेकिन फिर भी मेरे को बहुत अच्छा लगा।